ओके जी नेक्स्ट गलती, नेक्स्ट गलती, टेलर ने की बेईमानी, टेलर ने बेईमानी की, बेईमानी बेईमानी किसने किसके साथ की? तो नहीं की टेलर, मरियम, इट्स मरियम. हाँ मुझे लगता है शाइस्ता जी, मुझे जी शाइस्ता लग रही है, मुझे भी शाइस्ता जी लग रही है. आ मैं ही डसी हुई हूँ. ये बड़ी पुरानी कहानी है, ये मेरा स्टार्ट था, मेरी मेहनत की कमाइयाँ थी. उस वक्त बहुत काम किया था, तो मेरा एक मिसहैप हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा अपना बुटीक था, मेरा अपना मैंने मेहनत कर करके ब्यूटी पार्लर बनाया हुआ था. तो सिस्टर वगैरह मेरी यहाँ नहीं, वो चली गई थी आउट ऑफ कंट्री. तो उन दिनों मेरा हो गया एक्सीडेंट, और बहुत सवेर किस्म का एक्सीडेंट, क्योंकि अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी दी. मेरी हिप बोन फ्रैक्चर हो गई थी, दो महीने में बेड पे रही. अब जिस बंदे को मैंने साथ शामिल किया था, मेरे पास थे, तो जो मेन मेरा टेलर था ना, उसने क्या किया, कहा कि ये तो बंदी पता नहीं अब बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि तकरीबन 80% चांस है या 90% कि ये रहेंगी, हो सकता है. सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़ हो जाए. तो क्या किया उसने फिर? जब अल्लाह ताला देता है जिंदगी तो फिर देता है, देता है उसकी रज़ा. मुझे लोगों की दुआओं ने बचाया, मेरी माँ की दुआओं ने, मेरे बहन भाइयों के, मेरे घर वालों की, दोस्तों की दुआओं ने बचा लिया. बहरहाल वो मेरा सारा माल लेके गायब हो गया. सारा माल मेरे, उसमें सोचें लाखों का सामान था मेरा, जो थान वान आपने लाके रखे थे, कपड़ा खत्म. थान क्या, मेरी 8 मशीनें थी, 10 मशीनें थी. मेरे बड़े सेटअप था, पूरा पूरा सेटअप था, बड़े पैमाने पर. मेरे 3 पोर्शंस पे था, बेसमेंट, बीच में बुटीक, ऊपर मेरा सैलून का था. कोई नहीं समझ, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा. मैं अब बेड पे पड़ी हुई, और मैं हिल भी, मेरे जिसे जहाँ जिसकी गर्दन भी नहीं है, सिर्फ ये हिल रही थी. अरे मैं आधे बॉडी पैरालाइज. वहाँ पे उस बंदे ने उस मौके पे मेरे साथ बेईमानी की, जिसकी मैंने ज़िंदगी में हेल्प की थी. ये वो हेल्प थी, जब मेरा स्टार्ट किया था, मैं उससे कपड़े सिलवाया करती थी, तो मैंने जब उसको कहा कि मैं इस तरह अपना काम स्टार्ट करूँ, तो बाजी आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ. वो फिर ऐसा साथ, साथ दिया उन्होंने. लेकिन वो पनप नहीं सकेगा, ये मकाफाते अमल है. अच्छा मुझे रोड पे बिठा दे, उसके बाद मैं उसको फ़ोन कर पता किया बड़ा, उसके भाई से भी रबते किए, उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं, और हमने तो आपकी कोई चीज़ ली नहीं, हमें तो पता ही नहीं है. यानी कि वो जिन भूत थे जो सब कुछ उठा के ले गए. उसकी कोई तस्वीर नहीं है? चला दूं मैं अपने शो पे अभी. गुस्सा आ रहा है मुझे कसम से. तस्वीर अब ये इस बात को भी काफी साल हो गए. फिर मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया. मैंने कहा जो भी है, मैंने अगर किसी के साथ नेकी की और उसने मेरे साथ और वो बेईमानी तो खरहादी थी ना, वो तो मेरा तो मुझे तो रोड पे ला दिया ना, बिल्कुल मैं आ गई, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप मेरा खत्म हो गया. उसके बाद मैं डिसहार्टेड हो गई. मैंने कहा मैं करना ही नहीं है काम. अब कितने सालों के बाद दोबारा स्टार्ट लिया मैंने अपना ब्रांड. हील होने में टाइम लगता है ना. अब मैंने अपना दोबारा ब्रांड बनाया, और खैर अल्लाह का शुक्र है, शोबिज़ में मुझे हमेशा बहुत बिजी रैंक मिली. अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे लिए शायद यही लिखा हुआ है. हाँ ये तो मैंने हमेशा सोचती थी कि अल्लाह अगर ये मेरे लिए सही. लोग कहते हैं शोबिज़ अच्छा नहीं है भाई, ये तो गलत है, गुनाह है, फला है. अरे क्या है भाई, मेहनत की कमाई है, खून पसीने की. मैं भी हमेशा नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ, ये अल्लाह अगर ये सही नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में कुछ और काम आ जाए. जो काम किया सब ठप हो गया. फिर मुझे एक्टिंग ही करनी पड़ी, और हमेशा इसी में कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है. अब दोबारा से ब्रांड अपना स्टार्ट किया है. अब देखिए अल्लाह मालिक है अभी, लेकिन वो बच्चा है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल बच्चा. फिर भी आपने अपने उसको याद रखना है. हाँ, वो एक्सपेरिमेंट आपने वो किया था, उससे सीखी होगी आप, उस गलती से जरा ना सीखी, जरा ना सीखी. आज भी जो है एतबार करने में माहिर हूँ मैं. फायदा क्या है इंसान की ना, मैं एक बात बताऊं, फितरत नहीं बदल सकती. मुझे हमेशा होता है कि यार हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं इसके बारे में गलत सोच रही हूँ, ये अच्छा हो बंदा. अब ये तो उसके अपने दिल की बात है ना कि वो सही नहीं निकला. तो नहीं लेकिन भाई उसका भी, उसको भी जो है ना बहुत दस्तें पड़ती हैं. लेकिन मुझे रिवार्ड मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला ने, अगर मैंने किसी के साथ अच्छा किया, नेकी की है, तो अल्लाह ताला ने मुझे उसका 10 गुना ज्यादा अता. बस मिल गया. और अब नेक्स्ट गलती की तरफ चलें. मैं सेहतमंद हूं,
लेकिन अल्लाह मियां अगर आपको अता करे इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के हाथ बेवकूफ बने, उनकी पनिशमेंट दें ताकि वो दूसरों के साथ ना करें। कुछ लोगों की मैंने पहले बताया ना, जो बंदा जितना अच्छा होता है ना लोग उसको उतना बेवकूफ समझते हैं।